नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गुरुजी ऑफिशियल। आज हम आपको जानकारी देंगे तूफानों के बारे में कि तूफान क्यों आते हैं और इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं तूफान क्यों आते हैं। तूफान आने का कारण ये है कि जब सूर्य समुद्र में सूर्य की गर्मी के कारण जब समुद्र में सूर्य का जो गर्मी के कारण जो पानी है समुद्र का उस वो पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण जब 27 डिग्री तापमान हो जाता है तो उसके कारण वह भाप बन जाता है। भाप बनने के कारण धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। जब पानी ऊपर उठता है तो उस भाप के ऊपर उठने के कारण वह स्थान की जो हवा है वो खाली हो जाती है और उस स्थान को भरने के कारण जो चारों तरफ की हवा है वो उस केंद्र की तरफ भागती हैं, दौड़ती हैं उस स्थान को भरने के लिए। और वो हवा धीरे धीरे ऊपर उठती जाती है और वातावरण की ठंडाई के कारण जो ऊपर है हवा का जो तापमान है वो ठंडा होता है, जिसके कारण वह बादल में बदल जाती है, क्योंकि वो भाप होती है और वो बादल में बदल जाती है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। धीरे धीरे वो बादल बढ़ती जाती है और फिर क्या होता है कि जब ऊपर बादल बनता है तो पृथ्वी में एक बल जो घूमने की गति है पृथ्वी की, उसके कारण एक बल विकसित होता है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस बल। जो कोरियोलिस बल है, फोर्स है, उसके कारण क्या होता है जो बादल बनते हैं ऊपर वो बादल भी गोल गोल घूमने लगते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू यही स्थिति चलती रहती है कि जो बादल हैं बनते जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है धीरे धीरे ये तूफान का रूप ले लेते हैं। अब तूफान का रूप ले लेते हैं लेकिन इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो नामकरण की प्रोसेस ये है कि जब ये तूफान बन जाते हैं और इनमें जो हवा की गति है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर इनका नामकरण किया जाता है। नामकरण करने का सबसे पहले कार्य 1953 में किया गया था, जो कि मायामी नेशनल हरिकेन सेंटर है उसने, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी थी जिसको वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में बोले तो WMO कहा जाता है, इन्होंने की थी। तो पहले जो नाम है वो महिलाओं के नाम पर भी रखे गए थे तो लेकिन महिलाओं ने विरोध किया। विरोध के बावजूद पुरुष और महिला दोनों तरह से तूफानों के नाम रखने शुरू हो गए। लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारा हिंद महासागर तरफ का एरिया जो हमारा एरिया है तो उसमें नाम नहीं रखते थे। उनमें नाम क्यों नहीं रखते थे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो सांप्रदायिक भिन्नता है, अगर नाम रख दें किसी संप्रदाय को पसंद आया किसी को नहीं आया तो विरोध के कारण यहाँ पर नाम नहीं रखते थे। लेकिन फिर 2004 में क्या हुआ, जो WMO वाली जो संस्था थी वो भंग हो गया, जो पैनल था वो भंग हो गया और उसके बाद भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 8 देश यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा होकर 64 यहाँ पर सभी ने अपनी तरफ से 8-8 नाम टोटल मिला के 64 नामों की एक सूची यहाँ पर बनाई कि अगर तूफान आते हैं तो इनका नाम हम इस प्रकार रखेंगे। नाम रखने का जो क्रम है, पहले ए से नाम रखा जाएगा, वर्ष के पहले तूफान का, दूसरे का, बी से, तो इस प्रकार रखा जाता है। तो ये नामों का इन्होंने क्रम यहाँ पर बना लिया। और देखिए बनाने के बाद यहाँ पर पुरुष और महिला जो तूफानों का नाम है तो इसके संदर्भ में इन्होंने ये किया कि अगर इवन ईयर है, जैसे कि 2018 है, 2016 है, तो जो इवन ईयर है या सम जिसके लास्ट में सम संख्या है वर्ष के, जैसे 2016 के लास्ट में सहज जो कि सम नंबर है तो सम संख्या है, तो वो उस वर्ष जो तूफान आएंगे उनका नाम पुरुष नाम से रखा जाएगा। और अगर मान लीजिए ओड है, जैसे कि विषम है, 2017 ले लीजिए, 2019 ले लीजिए, जिसके लास्ट में जो है विषम संख्या है तो उसका महिलाओं के नाम पर तूफानों का नाम रखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि तूफान रखने के नाम पर कभी विवाद ना हुआ हो, क्योंकि श्रीलंका में तूफान आया था, श्रीलंका नाम रखा था उसको महीसेन, तो महीसेन श्रीलंका के एक राजा थे जो काफ़ी शांति प्रिय थे और जबकि तूफान यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाता है तो इसलिए कई संप्रदायों में ये विरोध हुआ था कि इसका नाम महीसेन नहीं रखना था, फिर बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो ये तूफानों का नामकरण काफ़ी दिलचस्प है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।